आज के गिज्मोज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी मार्केट में सब कंफ्यूज हो चुके हैं, पोको F1 ओनर प्ले, नोकिया 6.1 प्लस या फिर एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो 6 GB को लेकर। किस में क्या कमियां हैं और क्या मिलता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूँ। आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी माई जर्नी वाली वीडियो पे आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और आपने बर्थडे विश भी किया है मुझे, तो आप सबको थैंक यू सो मच। अगर आपको नहीं पता कौन सी वीडियो है तो मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आप सब इसी तरह से साथ बनाए रखना, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ऑनर प्ले या पोको F1, दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। सबसे बड़ी बात है इन दोनों फ़ोन की, दोनों में ही आपको सब्सक्राइब बटन रेड दिखेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको आप जल्दी से ग्रे कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो, चाहे हो ऑनर प्ले या हो पोको F1, दोनों में ही आपको डे टू डे यूज़ में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो किरिन 970 है वो थोड़ा कम पावरफुल है अगर आप उसे कंपेयर करते हो स्नैपड्रैगन 845 से। ऑनर प्ले भी ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पिक करना हो परफॉर्मेंस के लिए तो मैं पिक करूँगा पोको F1। लेकिन ऑनर प्ले के पास एडवांटेज है मेटल बिल्ड। आप अगर पोको F1 को हाथ में लोगे तो वो आपको उतना प्रीमियम नहीं लगेगा जैसे कि फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं। प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है पोको F1। हालांकि प्रोसेसर उसमें फ्लैगशिप है, लेकिन हाथ में लेकर आपको प्रीमियम फील नहीं आएगी। और जो थिकनेस है वो भी कम है ऑनर प्ले की पोको F1 के कंपैरिजन में। अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो ऑनर प्ले तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि काश आप ले लेते पोको F1, क्योंकि ऑनर प्ले भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इन दोनों स्मार्टफोन्स को मैं सुपर वैल्यू फॉर मनी कहूंगा। ऐसे ही काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि नोकिया X6 यानी कि 6.1 प्लस लिया जाए या पोको F1। तो मैं आपको कहूंगा कि वैसे तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों में 5000 का डिफरेंस है। अब प्राइस भले ही कम है नोकिया 6.1 प्लस का, लेकिन आई एम श्योर अगर आपके सामने ये दोनों फ़ोन रखे होंगे और प्रोसेसर आपको नहीं पता तो आप लोगे नोकिया 6.1 प्लस पोको F1 के कंपैरिजन में। नोकिया 6.1 प्लस के सामने पोको F1 आप कभी भी नहीं लोगे, क्योंकि नोकिया X6 यानी कि 6.1 प्लस काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है। इसको जब आप हाथ में लोगे तो आपको फ्लैगशिप वाली फीलिंग आएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है इस प्राइस पे। ग्लास बिल्ड के साथ ही आता है और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको दी गई है इस पे। काफ़ी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है ये, एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट भी है और साथ में नोकिया की ब्रांडिंग। तो ये 16,000 में बहुत ही अच्छा पैकेज है। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो पोको F1 से तो प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, फेस अनलॉक इन सब में आगे निकल जाता है पोको F1 नोकिया 6.1 प्लस के कंपैरिजन में। लेकिन 16,000 में नोकिया 6.1 प्लस भी बुरा नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी है कि 15,000 में लिया जाए एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो 6 GB या फिर 16,000 में लिया जाए नोकिया 6.1 प्लस, इन दोनों में से कौन सा चूज़ किया जाए। तो यहाँ मैं कहूँगा कि दोनों के ही पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। अब नोकिया 6.1 प्लस में जो कमियाँ हैं, पहले हम उन कमियों की बात कर लेते हैं। पहली कमी है बैटरी। बैटरी आपको इसमें उतनी अच्छी नहीं मिलती, 3060mAh की बैटरी है इसमें। दूसरी कमी है SD कार्ड के लिए इसमें डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको इसमें मिलता है। LED नोटिफिकेशन लाइट भी इसमें नहीं मिलती। और दोस्तों, फेस अनलॉक भी नहीं है नोकिया 6.1 प्लस में। जो एंड्रॉयड में ट्रस्टेड फेस वाला फेस अनलॉक होता है, इसमें आपको वो मिलता है जो कि किसी काम का नहीं होता। उसको अगर आप यूज़ करते हो तो कोई भी आपकी फ़ोटो से भी आपका फ़ोन अनलॉक कर सकता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, ऊपर मैं आपको लिंक दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग के टाइम इसमें थोड़ी हीटिंग भी देखी है मैंने, सेम हीटिंग थी नोकिया 7 प्लस में भी। हालांकि ये जो इशू है ये मुझे उम्मीद है कि जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा OTA अपडेट की मदद से। वहीं अगर हम देखते हैं एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो, तो यहाँ बैटरी आपको बड़ी मिलती है 5000mAh की। SD कार्ड के लिए भी डेडिकेटेड स्लॉट है इसमें। फेस अनलॉक और LED नोटिफिकेशन लाइट भी है। साथ में 6 GB की रैम आपको मिल जाएगी। नोकिया 6.1 प्लस में है 4 GB की रैम। प्रोसेसर दोनों में ही सेम है स्नैपड्रैगन 636। अब ऐसा नहीं है कि एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो में कमियां नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। जैसे कि आपको इसमें नहीं मिलती गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। नोकिया 6.1 प्लस में आपको फ्रंट और बैक दोनों ग्लास के लिए दी गई है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। वीडियो कैप्चर के लिए EIS आपको नहीं मिलता इसमें, और साथ में आप इसमें स्लो मोशन मूवी भी कैप्चर नहीं कर सकते। नोच वाला डिस्प्ले भी नहीं है एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो का। तो ये सब कमियां आपको नहीं मिलती नोकिया 6.1 प्लस में। और साथ में इन हैंड फील नोकिया 6.1 प्लस की काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ ग्लास बिल्ड। तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि नोकिया 6.1 प्लस आपके लिए बेस्ट है या एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो 6 GB।
मुझे अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बेस्ट लगे हैं, और आप में से काफ़ी लोग फास्ट चार्जिंग को लेकर कंफ्यूज हैं कि नोकिया 6.1 प्लस में आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो चार्जर है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, मोबाइल के साथ आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा। बॉक्स में आपको नॉर्मल चार्जर ही मिलेगा इस फ़ोन के साथ। अब आप बताओ कि आपको किस सेगमेंट का कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।